ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इतला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान, हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। बेशक एक लंबे गैप के बाद हाजिर हुआ हूं, बहरहाल हम एक छोटी सी वीडियो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिक रीसेट हो, ऑटो रीसेट हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आज तक आता रहा कि ऑटो रीसेट कर सकते हैं, तो हमेशा से जवाब मिला कि नहीं कर सकते विदाउट साइटेड पर्सन, क्योंकि वो मोबाइल को ऑफ करने के बाद किया जाता है। बहरहाल अब आप वैसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताता हूं। सिंपल, आपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने लॉक स्क्रीन में जाना है। Biometrics and security, lock screen, screen lock type, lock stop, lock screen, navigate up button. यहाँ पर आने के बाद आपने इस ऑप्शन पर आना है। Lock style, wallpaper service, secure lock settings, smart lock, keep your phone screen lock type, smart lock, keep your phone unlocked, secure lock settings, set functions such as auto lock and lock instantly with side key, 3 of 15. ये तीसरे नंबर पर आता है। मेरे पास मोबाइल है जी Samsung A30s with Android version 10. आपके मोबाइल में शायद ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो, या फिर हो सकता है किसी मोबाइल में ना भी हो। तो मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि मेरे मोबाइल कंपनी है Samsung और उसका मॉडल है A30s और एंड्रॉयड वर्जन है 10। आप अपने मोबाइल में देख लीजिएगा। क्लिक करते हैं। कीबोर्ड शोन, कंफर्म पिन, एडिटिंग, पासवर्ड, एडिट बॉक्स। अगर आपने कोई फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी की टाइप करेंगे। यहाँ पर अब आपने स्वाइप करते हुए आना है। यहाँ पर secure lock automatically, lock instantly with auto factory reset. After 15 incorrect attempts to unlock your phone, it will be reset to factory default settings and all data will be erased, including files and downloaded apps. Off switch. अच्छा दोस्तों, इसके दो से तीन मकसद आप ले सकते हैं कि अगर तो आपका पासवर्ड आपको भूल जाता है तो आप कोई ऐसा तरीका रखना चाहते हैं कि आपका पासवर्ड आपको खुलवाने के लिए कहीं जाना ना पड़े। हाँ, उसका एक नुकसान ज़रूर होगा कि आपका डाटा तमाम का तमाम रेज हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, यानी सारा का सारा। जिस तरह आप वो कह रहे हैं आपको कि अगर आप 15 अटैम्प्ट करेंगे अपने लॉक को ओपन करने की, अगर वो गलत अटैम्प्ट होंगी तो उसके बाद ये आपका मोबाइल जो है वो ऑटो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर रीसेट कर देगा। यानी उसमें फिर आपका पासवर्ड तो अनलॉक हो ही जाएगा, लॉक मोबाइल फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ अनलॉक हो जाएगा। मतलब कि आपकी जो डिवाइस स्टोरेज है उसका सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। मतलब कि जो भी उसमें चीज़ें होंगी, सॉफ्टवेयर्स होंगे, वीडियोज़ होंगी, फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, एवरीथिंग जो आप फैक्ट्री रीसेट पर आपके मोबाइल में जो कुछ होता है वो चला जाता है, उसी तरह से ये यानी आपको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट पर रीसेट कर देगा। सिंपल सी बात है। तो इसको सिर्फ आपने ऑन करना है। मेरे पास इस वक्त ये ऑफ है, मैं कतन ऑन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पासवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता, लेकिन फिर भी इंसान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप एहतियातन अगर ये ऑप्शन ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको किसी साइटेड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 मरतबा पासवर्ड गलत टाइप करेंगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। एक तो इसके दो फायदे हो सकते हैं, एक तो ये कि आपको पासवर्ड भूल जाए तो आप तब रीसेट कर सकते हैं आसानी से, दूसरा ये कि आपको अगर वैसे रीसेट करने में प्रॉब्लम होती है सेटिंग में जाकर, तो फिर आप यहां से रीसेट कर सकते हैं, जानबूझ के गलत अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको, छोटा सा ट्रिक आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्त मोहम्मद अरसलान को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।